हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वुरर हब में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं बात करने वाले। आज हम बात करेंगे एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके रिव्यू में आज हम बात करेंगे एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में, उसकी भरपूर जानकारी के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसको यूज़ करते हैं, किसने इसको बनाया है, क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट हैं, क्या क्या उसके साइड इफेक्ट हैं, कैसे उसको लेना है। तो ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में साझा करेंगे। तो फ्रेंड, इसीलिए इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, इस जानकारी को जानने के लिए, इस जानकारी का आनंद लेने के लिए। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक और ध्यान से सुने। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने प्रोडक्ट की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने प्रोडक्ट की ओर। तो फ्रेंड्स, आज का जो प्रोडक्ट लिया है हमने, मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल्स टैबलेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें लिखा है मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल्स एंटी ऑक्सीडेंट मिथाइल कोबलेमिन टैबलेट लिखा है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास आज का प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, इसका जो ब्रांड नेम है वो है ए टू जेड के नाम से आपको मार्केट में आसानी से मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है। क्या है, एक न्यूट्रास्यूटिकल है, एक हेल्दी न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें जिस टर्म को यूज़ किया गया है न्यूट्रास्यूटिकल्स, अब न्यूट्रास्यूटिकल्स होते क्या है उनके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। तो न्यूट्रास्यूटिकल इज डिफाइंड एज अ न्यूट्रिशन सब्सटेंस। इसने क्या है कि न्यूट्रास्यूटिकल क्या है, एक न्यूट्रिशन सब्सटेंस होता है विच कंसिडर्ड एज अ फूड और पार्ट ऑफ फूड। मतलब क्या है कि फूड हो सकता है या फूड का कोई पार्ट हो सकता है, एंड विच इज़ यूज फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, एंड विच इज़ यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, फ्रॉम डिसीज, मतलब हमको डिसीज से बचाता है, इसलिए हम इसको न्यूट्रास्यूटिकल यूज़ करते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल। तो फ्रेंड्स, ये है इसका आज का ये न्यूट्रास्यूटिकल। तो फ्रेंड्स, इसको बनाया है हमारी एल्कम कंपनी है, एक एल्कम लेबोरेटरी है, उसने इसको मैन्युफैक्चर किया है। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं उसके इंग्रेडिएंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये इसके इंग्रेडिएंट है। जैसे इसमें कुछ क्या है, इसमें मिनरल्स है कुछ, और क्या है, कुछ विटामिन्स है। तो विटामिन्स है और कुछ मिनरल्स है। तो सबसे पहले मिनरल्स विटामिन्स के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो विटामिन्स में यहाँ पर क्या क्या है फ्रेंड्स, विटामिन में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे विटामिन B1 है जिसको आप थायमिन कहते हो, विटामिन B2 है जिसको आप राइबोफ्लेविन कहते हो, विटामिन B5 है जिसको आप पेंटोथाइनेट कहते हो, विटामिन B6 है जिसको आप पाइरिडॉक्सिन कहते हो, विटामिन B9 है यानी फोलिक एसिड है, और क्या है, विटामिन ई भी है यहाँ पर, और क्या है, ये सब है हमारे विटामिन हो गए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मिनरल्स की। आप देख सकते हैं कुछ मिनरल भी है इसमें। मिनरल्स में क्या क्या है हमारे पास, मिनरल्स में हमारे पास कॉपर ग्लूकोनेट है यहाँ पर, और क्या है, मैग्नीज क्लोराइड है और सोडियम सेलेनेट है। तो फ्रेंड, ये है हमारे मिनरल्स। तो फ्रेंड, ये हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल मिनरल्स और विटामिन है जो इसमें हमको यहाँ पर दिए गए हैं इस टैबलेट में। तो फ्रेंड्स, ये है इस टैबलेट की खासियत के, इसमें क्या, हमारी बॉडी के लिए जो एसेंशियल विटामिन से, एसेंशियल मिनरल्स है, वो सभी इसमें भरपूर मात्रा में यहाँ पे दिए गए हैं इस टैबलेट में। तो फ्रेंड्स, इसको अब इसके ये हो गए इसके हमने जान लिए इंग्रीडियंट के बारे में। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये हमको हेल्प कराता है, प्रमोट कराता है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, अच्छा रखता है, क्या करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को, और क्या, जो ब्लड का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, बीपी लेवल होता है, उसको क्या करता है, उसको मेंटेन करके रखता है, क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेंथन देता है हमारी इम्यूनिटी को, और क्या करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन देता है ताकि वो लड़ सके एक इम्यूनो डिफिशेंसी डिजीज, जो डिसऑर्डर होते हैं उनसे लड़ सके, और क्या कराता है, एनर्जी बूस्टर है हमारी बॉडी के लिए, और एसेंशियल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिनरल्स प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी को, और क्या होता है, एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है, और हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, बनाने में हेल्प करता है, और क्या करता है, रेड ब्लड सेल जो हमारी बॉडी में होते हैं उनको बनाने में हेल्प करता है हमारा जो आज का प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आपके लिए। आपको लेना हो तो आपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए एक बार। तो फ्रेंड्स, ये होगा इसके यूजेस बात की हमने। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको मैंने बताया कि न्यूट्रास्यूटिकल है वैसे, तो न्यूट्रास्यूटिकल से कुछ ऐसे खास साइड इफेक्ट नहीं होते, बहुत रेयर देखने को मिलते हैं इसके साइड इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, फिर भी अगर हाई डोज में लिया जाए इसको तो कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे डायरिया हो सकता है। आप देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पे कुछ साइड इफेक्ट दिखाए स्क्रीन पे शो किए गए हैं, जैसे डायरिया हो सकता है यहाँ पे, क्या हो सकता है, नोजिया हो सकता है, स्टमक में क्या ना अपसेट हो सकता है, स्किन रैशेस हो सकते हैं,
नोजिया हो सकता है। तो ये फ्रेंड्स ये है कि इस चीज के कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार बता दूं आपको, अगर कोई लेडी प्रेगनेंस है या प्रेगनेंसी अचीव करना चाहती है तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले कि इस प्रोडक्ट को लेना है या नहीं लेना है, तो अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ले, जरूर ले। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, इसको लेना कैसे है, कैसे यूज करना है, इसको लेना इस तरह है, इसको दिन में एक टैबलेट लेने से किसी भी टाइम आप इसकी टैबलेट ले सकते हो, खाने के बाद इसकी टैबलेट को ले सकते हो आप। तो फ्रेंड्स लेकिन फिर भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, बिना डॉक्टर की सलाह के इसको ना ले, आपसे यही बार बार बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये हो गए इसके हमारे कुछ साइड इफेक्ट हो गए, यूजेस हो गए और इंग्रेडिएंट हो गए। अब बात करते हैं इसके, मतलब कुछ ऐसी बात करते हैं, जैसे इसके दिखाता हूँ आपको टैबलेट है। तो फ्रेंड्स जो ये टैबलेट है इसमें क्या है, 4 टैबलेट की स्ट्रिप है, यहाँ पे क्या है 4 टैबलेट की स्ट्रिप है जिसकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, अप्रोक्स 45-50 के लगभग इसकी कॉस्ट है। और इसकी 15 टैबलेट की स्ट्रिप आती है जिसकी कॉस्ट लगभग 105 रुपये के लगभग पड़ती है इसकी टैबलेट की एक स्ट्रिप 15 को। तो फ्रेंड्स ये आसानी से मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे A to Z, यानी A to Z यानी अपने आप में एक पूरा फूड सप्लीमेंट है, अपने आप में एक पूरा कंप्लीट सप्लीमेंट है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए, इसको अच्छा लगेगा आपको आशा करता हूँ। तो फ्रेंड्स इसी वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर के आता हूँ कुछ और नया आपके लिए, कुछ जानकारी से भरपूर। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गाइज़।